राम राम सारे भाइयों ने। अपना यूट्यूब चैनल जीव प्रेमी बाबूलाल जहांगीर जसराज सर में आप सब भाइयों का हार्दिक स्वागत है। फोन पर सूचना मिलती रहती है और जीव जंतुओं को बचाने के लिए आना जाना पड़ता है, क्योंकि जीव जंतुओं का अपना दिल से जुड़ा नाता है। अभी फोन पर मिली सूचना प्रेम जी के द्वारा इनके घर में कोई सांप दिखा इनको, तो अभी आएंगे, थोड़ा देखेंगे कौन सा सांप है क्या है। खतरा तो कहीं से भी आ सकता है। अब आप देख सकते हो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेलते हैं, बच्चे भगवान का रूप है। अब ऐसे बच्चों को पता तो है नहीं भी सांप कितना जहरीला है क्या है। बच्चे खेलते हुए अगर कहीं चले जाए तो खतरा तो कभी भी हो सकता है। तो भी जीव जंतुओं को बचाते हुए मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची है। अभी देखते हैं कौन सा सांप है क्या है, वो आपको वीडियो में लगातार बताएंगे। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी जीव जंतुओं को बचाएं, इनको मारे नहीं, क्योंकि सांप है जो अपने पर्यावरण और प्रकृति के एक अभिन्न मित्र है। इनको बचाना हमारा परम धर्म है, क्योंकि इंसान जहाँ पर रहता है वहाँ पर अनाज बिखरा रहता है और अनाज को देखकर चूहे आते हैं और चूहे का अपना शिकार बनाने के लिए सांप चूहों के पीछे पीछे अपने घरों में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर कभी भी खतरा मंडरा सकता है। तो अभी आए हैं, इस सांप को रेस्क्यू करेंगे। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, कैमरामैन मनोज के साथ। तो करीब 7-8 फीट लंबो सांप है और किंग कोबरा जखने सांप की प्रजाति को राजा किया करे, जने इनको नाम किंग कोबरा रख्यो है। वैसे वैज्ञानिक भाषा में इनको नाम स्पेक्टिकल कोबरा और नाजा नाजा भी बोले। न्यूरोटॉक्सिक नामक भरपूर मात्रा में जहर पायो जाए इंग मायने और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है। तो डू नॉट ट्राई प्लीज। तो आप देख सको ये कोबरा नाग है और कितनो खतरनाक तरीको फूंकार मारे। बाकी ध्यान में वीडियो में देख सको क्यों खुद ने खतरों महसूस हुए जब इंसान ने बाइट करे आप इनकी फूंकार है, जबकि नोट कर सको। और एक बहुत मोटो अंधविश्वास है कि सपेरा बीन बजाए और नाग डांस करे, तो वो एक तो अंधविश्वास है। सांप है कि यहां को प्राणी है जगह ने किया है पीछे की साइड में और साइड की साइड में दिखे गोली, तो जकी साइड में जिया कपड़ो है कोई बीन को नहीं। आप देख सको जिया आप कपड़ा ने घुमाया तो सांप ने सागे सागे मूवमेंट करी। तो आप इन वीडियो में कंटिन्यू देख सको। आ देख लो थे अभी इनकी फुंकार है, वह आप थे देख सको वीडियो में कि तो खतरनाक तरीकों फुंकार मार रही हो। और इतो ही थे इन देख सकोगे और दोनों साइड के मायने बराबर मूवमेंट करे है। बहुत बड़े साइज में नाग है, आप देख सको इन्हें वीडियो के मायने के एक कट्टू किया देसी तरीके नाग पकड़ने की विधि बताई है सब भाया ने। अगर मैं टाइम पर नहीं भी पहुंच सका तो आप सांप ने इस तरीके हैंडल कर सको, कट्टे के मायने लकड़ी फंसाए और भी ने सांप के मुंह गए राखो तो वो अपने आप भी कट्टे के मायने घुस जाए। तो आप वीडियो में विशेष तौर देख सको। और काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया कि अगर मैं भी स्नेक हैंडल करा तो क्या पर कर सका, तो वो तरीको है इन आप थे हैंडल कर सको। बाकी मैं मेरी व्यक्तिगत राय या कौन दू का आप भी जहरीले जीव जिंदावर सागे खेल करो, जहाँ तक वह दूरी बनाए रखो, कोई वीडियो देख कर कॉपी न करे। तो सांप पकड़ने का आसान तरीको है थोड़ो, तो यूँ दूरी भी बनी रहे और सांप भी आसानी पकड़ में आ सके। तो आप देख सको इन वीडियो के मायने। तो भाई लोगों सब कुछ ज्यादा ध्यान रखने की टाइम कट्टे में पैक करते टाइम है, क्यों बहुत ही ज्यादा मोटो नाग है तो इनकी बजो हाथ नहीं लगा रहे डायरेक्ट आज कट्टे के मायने बैठो है। तो कोई भी भाई अगर सांप बचाना चाहे तो आ तरकीब अपना सके, क्यों आज बड़ो नाग हो इनकी बजो मैं हाथ नहीं लगा रहा है, एक अलग वीडियो बनाए है। तो खतरों तो कन्ना ही भी हो सके और ज्यादा खतरों कट्टो देखिए आप पैकिंग करती टाइम है बी टाइम है थोड़ा नीचो मान लो। तो अभी मैं अटू कैच कर लियो है और आगे जंगल में ले जा रही हूँ रिलीज करा। तो आप वीडियो माइंड मेरे साथ बड़े रहो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सिर्फ
बहुत मुश्किल तरीको हैंडल करियो नाग ने। अभी इन्हें कोबरा सांप ने जंगल की ओर ले जावा ताकि रिलीज कर देवा। और ये प्रेमाराम जी है बहुत खुश नजर आ रही है कि सांप ने हैंडल कर दियो, क्यों छोटा छोटा बच्चा है खेत के मायना के, तो डर तो बने ही रहे, क्यों जहरीला जीव है तो कन्ना भी ये बाइट कर सके। और बच्चा वह भगवान को रूप है, बन कोई पतो तो वह कौन कि भैया चीज़ के है। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीव बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो भाई सब कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की बात है छोड़ के टाइम है, क्योंकि छोड़ के टाइम में सब कुछ ज़्यादा खतरों बन रहे हैं। तो अभी ने आपके पर्यावरण पर